हेलो नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फैनी नाम का साइक्लोन जो है उड़ीसा में बहुत ही तबाही मचाई है, तो आइए हम लोग साथ दें उनका। तो यदि आप लोग इच्छुक हो तो मैं ये बताने वाला हूँ कि पेटीएम से कैसे आप लोग उड़ीसा की मदद कर सकते हैं। यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो पेटीएम के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं, तो आइए मेरे साथ चलिए देखते हैं। मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, आज रहा नहीं गया। मैं डोनेट करने वाला हूँ तो सोचा वीडियो भी बना दूँ, जिससे कि और किसी को यदि करना हो तो यदि दिक्कत आए तो इस वीडियो को देख के कर पाए। तो सो चलिए फ्रेंड चलते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में नेट ऑन करना है, उसके बाद पेटीएम ऐप में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को करना यो है, पेटीएम खुलने का इंतजार करना है। खुला तो उसके बाद ये नीचे में मोड़ का साइन है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ये मोड़ का साइन है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली करना, उस मोड़ पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल को नीचे ले जाना है सिटी सर्विस पे, ये आ गया सिटी सर्विस। सिटी सर्विस में आप लोगों को सिंपली ये सेकंड नंबर पे डोनेशन का आ रहा है चिन्ह, तो इस डोनेशन पे क्लिक कर देना है। डोनेशन पे जो ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे मांगेगा कि किसको आपको डोनेट करना है। इसमें सिंपली स्क्रॉल नीचे कर करके आपको जाना है ओडिशा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ओके, ओडिशा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, ये यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी ओडिशा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो यहाँ पे आप जाइए, ये रहा ओडिशा चीफ ने, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कीजिए। सिंपली यहाँ पे आएगा, आपका नाम मांगेगा, ये एक फॉर्म है, इसको आप सारा चीज़ कीजिए। इसके लिए आपके वॉलेट में जितना रुपया आपको डोनेट करना है उतना होना चाहिए पेटीएम वॉलेट में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। यहाँ कस्टमर नेम में आपको अपना नाम डाल देना है, तो मैं डाल दे रहा हूँ, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे पेन नंबर डालना है तो मैं डाल दे रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना पेन कार्ड भी डाल दिया। उसके बाद आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना डोनेट कर रहे हैं, अपने इच्छा से करें, 1 रुपया भी आप कर सकते हैं, 1 रुपया से लेकर आपको जितना करना हो उतना कर सकते हैं। तो ये मैं 100 रुपीज़ करके करता हूँ, 100 रुपया मेरा करने का मन है तो मैं 100 डोनेट कर रहा हूँ। तो चल उसके बाद यहाँ नीचे में आपको दिखेगा प्रोसीड टू पे, ये रहा प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर दे रहा हूँ, ये फॉर्म देख लीजिए, बस नाम देना है, पैन कार्ड का नंबर देना है, उसके बाद जितना अमाउंट डालना है उतना डाल के ये पे प्रोसीड टू पे आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, तो आपकी हो जाएगी। चलिए मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ध्यान रहे कि इसके लिए आपके वॉलेट में आपको जितना डोनेट करना है उतना होना चाहिए। तो ये मेरा डोनेट हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरा यहाँ पे लिखा गया 100 कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुली, नीचे नीचे में से आएगा डोनेटेड ओडिशा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो ये हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग जितना कर पाए उतना ज़रूर करें, जितना ही कर पाए 1 ही रुपया क्यों नहीं तो ज़रूर करें। तो चलिए आइए मिल के साथ ओडिशा का साथ दें और उसे रिबिल्ड करने में मदद करें। तो थैंक यू दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी आदमियों को यदि दिक्कत हो तो वो इस वीडियो को देख के डोनेट कर पाएँ यदि इच्छुक हो तो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। तो डोनेट फॉर ओडिशा फॉर फैनी साइक्लोन, बाय बाय। और हाँ, जैसे ही आप लोग कीजिएगा, यदि हो जाएगा सक्सेसफुल तो ऊपर में आप लोगों को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ RS 100 टू ओडिशा चीफ मिनिस्टर, इतना रिलीफ फंड
ऑन 14 मई 2019 हैज़ बिन सक्सेसफुली प्रोसीड। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिक्वेस्ट था 100 रुपी ओडिशा चीफ मिनिस्टर को देने का रिलीफ फंड में, वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ से आप डिटेल भी देख सकते हैं, व्यू डिटेल। तो ओके गाइस, बाय बाय। तो ओडिशा के लिए ज़रूर से ज़रूर डोनेट करें।